एंड गाइस ये आइडियल स्टेट है, ये बेस्ट पॉसिबल मार्केट स्ट्रक्चर है. ओके दैट हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस. गाइस हम लोग जो अपनी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की सीरीज बना रहे थे जिसमें पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट की. सो गाइस मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है अगर हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करें. ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज मार्केट क्या होता है. आज हम लोग मार्केट में एक्चुअली इनफैक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की. तो एक्चुअली मार्केट क्या होता है? देखिए मार्केट इज दैट प्लेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वेयर बायर्स मीट सेलर्स. That means there is demand which is being produced by buyers. Buyers demand raise करते हैं और suppliers supply करते हैं. तो वो place जहां पे buyers and suppliers meet, that is market. Okay? Market में एक aspect आता है जिसको हम लोग बोलते हैं market structure. अब market structure का क्या मतलब होता है? मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट में किस तरह की अरेंजमेंट है. ओके अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा किस तरह की अरेंजमेंट है. ये जो डील हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, ये किन नॉर्म्स को लेकर के हो रही है, क्या कंडीशंस हैं और कितने बायर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, किस तरह का गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, उस गुड को लेके कैसी नॉलेज है कस्टमर्स के बीच में. ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा डिपेंडेंट होगा कुछ कंडीशंस पे. वो कंडीशंस बताएंगी कि किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है. तो जरा देख लेते हैं उन क्रूशियल कंडीशंस को जो कि डिटरमाइन करेंगी मार्केट स्ट्रक्चर को. ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशंस के बेसिस पे, ये एक्चुअली लिटमस टेस्ट है डिटरमाइन करने का मार्केट स्ट्रक्चर. हम जब इन कंडीशंस के बेसिस पे चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का मार्केट है. ओके फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट है वो कितनी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है. अगर कोई एक पर्टिकुलर गुड है तो कितनी फर्म्स है मार्केट में जो उस गुड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. ओके राइट. सेकंड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट के नेचर से क्या मतलब है? सी गाइस, जो प्रोडक्ट है आपका इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है इट कैन बी होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब हुआ कि एक ही तरह का प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ गुड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. जब सारी की सारी फर्म्स मार्केट में एक ही तरह का गुड प्रोड्यूस करें देन वी से दैट गुड इज होमोजीनियस. ओके और वी कैन से द प्रोड्यूस्ड गुड इज होमोजीनियस. ठीक है, दूसरा टाइप हो सकता है हेट्रोजीनियस. जस्ट ऑपोजिट ऑफ होमोजीनियस, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द मार्केट. जब जो भी फर्म्स है मार्केट में वो अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं तब हम कहते हैं दैट हेट्रोजीनियस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. ओके एंड थर्ड क्राइटेरिया टू जज द मार्केट स्ट्रक्चर इज द ईज with which firms can enter or exit the market. कितनी आसानी से कोई भी नई फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है. यानी जब फर्म, कोई नई फर्म किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई नई फर्म आना चाहती है, तो उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंटर करने में, क्या बैरियर है एंट्री का, क्या वो बहुत ईज के साथ एंटर कर पा रही है। सिमिलरली अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है वो मार्केट छोड़ना चाह रही है तो वो कितनी ईज के साथ मार्केट छोड़ सकती है। सो गाइस ये 3 कंडीशंस है जो कि डिटरमाइन करती है मार्केट स्ट्रक्चर को। बट एज आई टोल्ड यू टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्केट स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। एंड गाइस ये आइडियल स्टेट है, ये बेस्ट पॉसिबल मार्केट स्ट्रक्चर है। ओके दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई इज इट बेस्ट पॉसिबल ये हम लोग आगे देखेंगे, बट टू ब्रीफ यू आउट इस स्टेट में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है। एक्चुअली इट इज सोशल ऑप्टिमम स्टेट, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मार्केट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है तो देन वी से दैट इट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहली कंडीशन क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। जब आप लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर रहे हैं तो यू मीन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है ना, क्योंकि फर्म्स ही तो है जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगी और सेल करेंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। सेकंड है ये सारी की सारी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगी। ओके एंड गाइस एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स इन यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। थर्ड इज फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द मार्केट। मार्केट को आप इजिली एंटर कर सकते हैं या मार्केट को कोई भी फर्म इजिली लीव कर सकती है। फोर्थ इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस। जो गुड्स का प्राइस है, समझिएगा, जो गुड्स का प्राइस है कंज्यूमर को उसकी परफेक्ट नॉलेज है। कंज्यूमर जानते हैं कि इस गुड का ये प्राइस है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर फर्म किसी गुड का प्राइस ऑन इट्स ओन बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, तो कंज्यूमर्स उससे वो गुड खरीदना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? बिकॉज अदर फर्म्स आर सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस। तो कंज्यूमर्स को पूरी नॉलेज है प्राइस की। सेम गोस विद दी फर्म्स ऑल्सो, उन्हें मालूम है कि इस गुड की इतनी प्राइस चल रही है मार्केट में, तो वो किसी भी गुड की प्राइस खुद से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। यानी प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस ऑल्टरेशन, इट इज नॉट लाइंग विद द फर्म। ये पावर फर्म के पास नहीं है, दे कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस। अंडरस्टूड? तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में, ठीक है। अब हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं। सो दैट इज ऑब्वियसली इन परफेक्ट कंपटीशन we are going to determine determination of price and output, ठीक है, under perfect competition। अब देखिए इसको करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। कुछ टर्म्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे, तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है MR। MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, क्या मतलब हुआ मार्जिनल रेवेन्यू का? सी गाइस आप इसको मार्जिनल रेवेन्यू बोल लीजिए और यू कैन ऑल्सो रिफर टू इट एज एडिशनल रेवेन्यू। ये टेक्निकल टर्म है। एडिशनल रेवेन्यू आप खुद से समझने के लिए लिख सकते हैं इसको। क्या मतलब हुआ? अंडरस्टैंड, अगर कोई फर्म है वो 10 गुड्स बना रही थी, 10 गुड्स बना रही थी, ठीक है। अब वो फर्म उन 10 गुड्स को अपने प्राइस पे बेच रही है, तो जब वो उन गुड्स को सेल करेगी तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट? दैट इज योर रेवेन्यू। नाउ दैट फर्म प्रोड्यूस्ड 1 एडिशनल यूनिट, उसने 11th यूनिट बनाई उस गुड की। अभी तक 10 यूनिट बना रही थी, अब 11th यूनिट बनाई, तो जब उस 11th यूनिट को वो फर्म सेल करेगी तो कितना एडिशनल रेवेन्यू आया, ये मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। क्लियर? दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज एडिशनल रेवेन्यू। सेकेंड इज योर AR। AR means average revenue, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब आपने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया, फर्म ने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो गुड प्रोड्यूस किया था, इससे आपको एवरेज रेवेन्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके। अब देखिए ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू है इसी को हम डिमांड कर्व बोलेंगे। यही आपका डिमांड कर्व है। गाइस, डिमांड क्या होती है? डिमांड किससे डिटरमाइन होती है? कंज्यूमर्स ही तो डिमांड डिटरमाइन करते हैं, यस और नो। और अगर आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो प्राइस कंज्यूमर ही तो पे करेंगे। जब कंज्यूमर प्राइस पे करेंगे गुड का तभी तो फर्म के पास रेवेन्यू आएगा। तो इसलिए ये जो एवरेज रेवेन्यू है इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ डिमांड कर्व। अंडरस्टूड? एंड गाइस, परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप स्मॉल ई की बात करें इलास्टिसिटी की तो इनफाइनाइट होगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा डिमांड कर्व। ओके, इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अगला टर्म जो हम देखेंगे वो है एवरेज कॉस्ट, AC। अगेन टोटल कॉस्ट, जो सारे गुड्स मैन्युफैक्चर करने में टोटल कॉस्ट आ रही है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज गोइंग टू गिव यू एवरेज कॉस्ट। सो TC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज Q। ओके, नेक्स्ट टर्म हियर इज MC। MC means मार्जिनल कॉस्ट। देखिए जैसे मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताया था वैसे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई फर्म, मान लीजिए कोई फर्म 10 गुड्स बना रही थी, अब उसने 11th गुड मैन्युफैक्चर किया, 11वां गुड मैन्युफैक्चर किया, तो 10 गुड्स बनाने में उसकी कुछ कॉस्ट आ रही थी। अब एक एडिशनल गुड बनाने में जो भी उसकी एडिशनल कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। अंडरस्टूड? ठीक है ना? सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एडिशनल कॉस्ट। है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, एडिशनल कॉस्ट आ रही है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर हम गाइस यहां पे प्रॉफिट की बात करें, चलिए अगली स्लाइड में कर लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? प्रॉफिट हियर विल बी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यस, टोटल रेवेन्यू क्या है? फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। टोटल एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। AR वाज TR अपॉन Q। सो यहां से हमें TR की वैल्यू मिल जाएगी एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट वॉज टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। राइट, अब देखिए इनमें क्वांटिटी कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे से AR माइनस AC। दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक है ना, दिस इज योर प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी विल गिव यू प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो इस मार्केट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने का क्या कंडीशन है? सो कंडीशंस to obtain equilibrium. सबसे पहली कंडीशन है यहां पर यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू price and this will be equal to marginal cost. AR will be equal to MR and it should be equal to price and it is equal to marginal cost. ठीक है ना? Second, marginal cost curve should cut MR curve from below. नीचे से कट करना चाहिए. ठीक है, बोलिए. ओके गाइस, नाउ सी परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं. एक होता है शॉर्ट रन में और एक होता है लॉन्ग रन में. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन में कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम, क्या कर्व्स बनते हैं, और फिर लॉन्ग रन में कैसे डिटरमाइन करते हैं. थैंक यू.